हम लोगों को काफी लंबे समय तक उसका इंतजार करना पड़ता। उस समय सर्वे में थोड़ा सा हम लोगों का लापरवाही हुआ किसी कारणवश, क्योंकि अधिकारी लोग जो इंजीनियर आते हैं, जो लोग पदाधिकारी आते हैं, उनको सही जानकारी नहीं रह पाता, जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हुआ है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी विकास की योजनाओं का या आप लोगों का जो सुझाव हमें हमेशा मिला, तो मैं सबसे पहला प्राथमिकता यदि देता हूँ तो गुरू परफेक्ट को ही देता हूँ। आज उसी का नतीजा भी है कि दूरी प्रखंड सबसे पीछे बना, लेकिन हर मामले में विकास के मामले में और विकास की योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए यदि सबसे ज्यादा सहयोग ग्रामीणों का मिलता है तो दूरी प्रखंड से यहाँ के लोगों को मिलता है। आज सबसे पहला ओडिया प्रखंड बना दूरी। आज रामगढ़ जिला सबसे पहला विद्युतीकरण का बना, जो हर घर में हम लोग पूरे जिले में हर घर में हम लोगों ने बिजली पहुंचाया, इसका भी सबसे पहला उपलब्धि हम लोगों को मिला। आने वाले समय में हर घर में पानी पहुंचाने का जो योजना जो आप लोगों के बीच में काम भी चल रहा है, 2019 तक हर घर में हर महिलाओं को जो सबसे ज्यादा परेशानी पानी का होता था, हर चूल्हा तक हम लोग पानी पहुंचाने का 2019 में हम लोग पूरा करेंगे। इस तरह से आने वाले समय में हम लोगों का यह टारगेट भी है कि हम लोग हर खेत तक बिजली और पानी पहुंचाने का भी योजना। अभी काफी हम लोगों को विकास का काम करना, हम लोग इससे ही इतना ही से हम लोगों को खुश नहीं होना, अभी और बहुत काम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काफी काम किए हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा उपलब्धि आप लोगों का है, जो अभी हम लोग ललकी घाटी से लेकर बर्गमचा पथ का गुरु प्रखंड को PWD पथ से जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप लोगों का हुआ, जो आज इतना अच्छा सड़क आप लोगों के बीच में बन रहा है। और इसी महीना के अंदर एक और उपलब्धि जो आप चितरपुर से लेकर पूरी चौक होने होते हुए यह रोड जो है, यह अभी 2 लेन बनेगा और इसको भी हम लोग शिलान्यास करेंगे। क्योंकि जब चारों तरफ से रोड बन जाएगा, आवागमन का साधन बनेगा, यहाँ के किसान जो शहर जाने में भी या अपना उत्पादन क्षमता जो हमारा है, जो सब्जी है हम लोग खेती करते हैं, उसका सही कीमत भी हम लोगों को मिलना चाहिए। आने वाले समय में भी कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि यह कृषि बहुल क्षेत्र है, इसलिए किसानों के सुविधा के लिए भी अभी हमारे बुजुर्ग मंच के गंगाधर महतो जी ने भी कहा कि भरवा जलाशय बना है, आप लोग समझ सकते हैं। लोग कोई नहीं सोच रहा था कि कभी बन पाएगा। 1986 से लेकर लगातार कितना बार बिहार के समय से बना, अभी अब डैम को बन के तैयार हुआ। बहुत सारा तकनीकी कठिनाई भी होता जिसके चलते आज यह परेशानी हो रहा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो नहर का परिकल्पना है, जो खेत तक पानी पहुंचाने का जो योजना है, आने वाले समय में 2019 से लेकर 20 तक में हम उसको भी पूरा करके दिखाएंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस तरह से कई योजना जिला बनने के बाद और आपका दूरी प्रखंड बनने के बाद स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग हॉस्पिटल का सुबह विद्यालय इस तरह का कई शिक्षण संस्था भी हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में IPR पॉलिटेक्निक का भी काम चालू है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हर क्षेत्र में, क्योंकि तभी हम विकास कर सकते हैं जब लोगों को, बच्चों को हम लोग सही शिक्षा देंगे, जब आने जाने का साधन होगा, हमारे पास बिजली होगा, पानी होगा, सड़क होगा, शिक्षा का व्यवस्था होगा, तभी हमारा गांव विकास हो सकता है। और वैसे लोग जो लोग 60-70 साल से
पूरा देश में जब आजाद हुआ तब से लोग यहाँ पर शासन किया, तब से विधायक और एमपी लोग बनते रहे, वैसे लोगों के लिए भी अप्रक्षण है। आप लोग सब जानते हैं यहाँ से 15 साल पहले 20 साल पहले इस घुर्मी प्रखंड का उस समय तो रामगढ़ी प्रखंड होता था, उस समय का स्थिति यहाँ लोग किसी तरह बरसात के दिन में तो बहुत ही मुश्किल था कि मोटरसाइकिल भी लोग सभी घर आ पाते थे, पैदल के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब हम दावे के साथ कह सकते हैं हर गांव को जब कच्चा सड़क था कोई गांव में लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन आज हर गांव को हम लोगों ने पक्की सड़क से जोड़ा, थोड़ा बहुत गली कूचा अधूरा है तो हम लोग इस साल सबको हम लोग पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आने वाले समय में भी आप लोग इसी प्रकार एकजुट रहे, और वैसे विकास विरोधी लोग कई काम में आप लोग देखते भी होंगे, अखबार में सुनते भी होंगे, काम में लोग बाधा भी डालने का प्रयास करते हैं कि भाई ये काम हो जाएगा तो गांव के लोग हमारे चढ़ जाएंगे, हमारे पार्टी का झंडा लोग छोड़ देंगे, तो वैसे लोग विकास के काम में भी बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज विकास का काम देखकर सभी दल के लोग छोड़ छोड़ कर आज अच्छी पार्टी में आ रहे हैं, इसका एक ही कारण है विकास। हम लोगों का मूल मंत्र है विकास। आने वाले समय में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो उपलब्धि है आप समझिएगा कि आने वाले समय में रामगढ़ राज्य में नहीं बल्कि देश में अपना स्थान बनाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हमारा काम हमारा उद्देश्य ही है। जब हम लोग शुरुआत में चुनाव प्रचार में संगठन बनाना शुरू किए थे तो हमारे साथी लोग भी हैं, वो लोग इतना परेशान रहते थे कि भाई आखिर गांव में हम लोगों के यहाँ कब बिजली आएगा, कब सड़क आएगा, कब पुल पुलिया बनेगा। आज परिवर्तन हुआ, अभी हम लोगों को बहुत आगे जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से ही आग्रह करूँगा कि आप लोग जागरूक रहिए और विकास के प्रति आप लोग जिस प्रकार सहयोग किए हैं आप हमें हमेशा सहयोग करते रहें, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूँ। यह अभी रोड बन रहा है, अभी आप लोगों के गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए पूर्णिया टाँग तक जाएगा। मैं आप लोगों से यह आग्रह भी करूँगा कि बनाने में आप सहयोग करें, 6 महीने या साल भर का समय है, आप लोग सहयोग कीजिएगा तो हमको विश्वास है कि 6 महीना के अंदर यह रोड बनकर तैयार होगा और आप लोग को हम छुपुर थोड़ा गांव में संकीर्ण है, हम पूजा दुर्गा पूजा के समय आए थे तो हम घुसे थे जिस रोड से जाना है, तो थोड़ा थोड़ा जगह यह हमारे घर के पास थोड़ा थोड़ा काम है पीड़ा, तो उसको तोड़ के उसको बनाने का अवसर दे ताकि आप ही के सुविधा के लिए गांव का रोड है, आप ही को फायदा होगा। आप लोग तकलीफ को झेले, अब तकलीफ झेलने की आवश्यकता नहीं है, रोड बनेगा आपके सुविधा के लिए और आप सहयोग करें, कॉन्ट्रेक्टर भी है, क्वालिटी अच्छा बने, क्योंकि बहुत ही एक रोड को पास कराने में और लाने में कितना मेहनत लगता आप समझ सकते हैं, और यदि आए और अच्छा नहीं बने तो हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए, हम मेहनत के हैं, आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि दोनों का जो तालमेल है, दोनों का जो मेहनत है वो असफल हो सकेगा। मैं इसलिए आज की इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि और इस महीना के अंदर अभी इससे भी महत्वपूर्ण रोड जो आपका NH 23 से लेकर पुली चौक तक जो मुख्य मार्ग से आपको जोड़ेगा, यह तो कम फायदा वाला रोड है क्योंकि गांव का है, आपको तकलीफ है, लेकिन इस रोड के बनने से आपका रोजगार, इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के इकोनॉमिक जो आपका आमदनी बढ़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण रोड जो आपका है जो आज PWD पथ बनेगा, दुर्मी प्रखंड में एक भी PWD पथ नहीं था, चौड़ीकरण पथ एक भी नहीं था, वह तो पहला जो बन रहा है या दूसरा रोड आप लोगों के बीच है। हम समझते हैं कि दोनों रोड के बनने के बाद दुर्मी प्रखंड जितना भी विकास किया है इससे भी 4 गुना गति से विकास करेगा, मैं आपको ये बताने आया हूँ।
इसलिए उस रोड को बनाने में भी इससे भी ज्यादा सहयोग आप लोगों को करना है, क्योंकि गांव में अभी पहला बार बन रहा है, कई एक लोगों का जमीन भी जाएगा, कई एक लोगों का थोड़ा घर का भी नुकसान होगा, तोड़ना भी पड़ेगा, तो PWD में पास होने के बाद मुआवजा भी मिलता है। आप लोग सहयोग करें, वहाँ पर कितना सुंदर बना, अभी थोड़ा थोड़ा बना है, कहीं बस्ती में बचा हुआ, इतना अच्छा रोड आप लोगों के बीच में बनेगा, आप समझ सकते हैं, और उसका सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा मुआवजा मिलने में थोड़ा विलम्ब जरूर होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपका जमीन है तो आपको पैसा मिलेगा, यह हम आपको विश्वास करें, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है गांव का विकास करना। और हम पहले भी कहते हैं, हमारे विधायक बनने से पहले कितने लोग विधायक बने, लोग सिर्फ शहर का विकास किया, क्योंकि शहर के ही लोग बनते ही थे हमेशा, गांव को भूल जाते थे हमेशा, खाली चुनाव के समय याद आता था। और मैं गांव चुनाव के समय आपसे वादा भी किया था, यदि आप सु पार्टी और हमको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा तो हम शहर से विकास नहीं करेंगे, हम गांव से विकास करेंगे, जो आपको हम दिखा रहे हैं। अब गांव और शहर में अंतर नहीं रहा, शहर के लोगों को पानी में तकलीफ होगा पीने का पानी में, लेकिन गांव के लोगों को नहीं होगा, बस मात्र हमको एक साल का अवसर मिलेगा, 2019 के अंतिम तक रामगढ़ जिला के हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा। उतना ही नहीं, अभी तो पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच चुका है, पक्का सड़क पहुंच चुका है, और सबसे सौभाग्य की बात है आने वाले समय में हमने लिखा था केंद्र सरकार को भी, तो आज रामगढ़ जिला को 4-5 जिला पूरे देश में चयन हुआ, तो लोग सोचते हैं कि भाई पाइपलाइन से गैस कैसे पहुंचेगा, तो पाइपलाइन के द्वारा हर घर में जिस प्रकार पानी पहुंचेगा, चूल्हा जलाने का गैस भी पहुंचेगा। मैं आपको आज बोला रामगढ़ का सौभाग्य है कि आज सरकार भी हमको सहयोग कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो इसलिए सहयोग कर रही है कि भाई वहां कोई भी योजना जाता है तो धरातल पर यदि सबसे पहले उतरता है तो रामगढ़ जिला पर उतरता है, बाकी जगह जाता भी है तो कहीं काम अधूरा हो जाता है, कहीं पूरा ही रहता है, कहीं शुरू ही नहीं होता, लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई भी काम आता है तो धरातल पर उतरता है और लोगों को उसका फायदा भी मिलता है, इसीलिए हर योजना का लाभ हम लोगों को मिल रहा है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा, इसी प्रकार आप लोग सहयोग करते रहें, एकजुट रहें, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूर्वी प्रखंड राज्य में नहीं देश में सबसे आदर्श प्रखंड के रूप में बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।